घर है भी ठंडा, लेकिन यहाँ पे बगैर पंखे बगैर किसी एसी के इतना प्यारा माहौल है। और जो जो लोग विलेज लाइफ को गांव को पसंद करते हैं या नेचुरल ब्यूटी लवर हैं वो कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम करोड़ों दिलों की जान, मोहम्मद आपका हीरो खान ऑन द वे फ्रॉम और होम साहिवाल। तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम हो चुका है 4:30 का। तो आपको पता है कि तैयारियां व्यारियाँ चल रही हैं क्योंकि हमने जाना है सीरीज़ पे नेक्स्ट। अभी बताऊंगा नहीं कि कराची जा रहा हूं या चाइना बॉर्डर, लेकिन इन दोनों में से किसी एक जगह जा रहा हूं। तो अभी जनाब 4:30 हो चुके हैं, तो अभी घर में बैठ बैठ के तैयारी करके बोर हो गया था। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट प्लेस पे, जहाँ पे मैं ना जाऊँ तो मेरा दिल ही नहीं लगता, सुकून नहीं मिलता मेरे लिए। मतलब वो एक क्रश है, मेरा क्रश है वो प्लेस, ठीक है। तो गाइज़ अभी वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं प्यारा सा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा माहौल, और आप लोग भी इंजॉय करेंगे और मैं भी इंजॉय करूँगा। चेक करें ज़रा खुशी, चेक करें खुशी, एक्साइटमेंट चेक करें। तो जनाब अभी हम दरवाजे के पास आ चुके हैं, ये हमारी फरारियाँ खड़ी हैं, ये चेक करें। तो अभी हम जाएंगे पैदल, ठीक है। तो ताला शाला खोलते हैं, निकलते हैं और मिलते हैं आगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबा दो, कर लो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ, क्योंकि ये वाला ब्लॉग और आगे वाले ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। समझ आ गई है लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जनाब मैं जा रहा हूँ बाइक पे, बाइक शाइक निकाल ली है, तो अभी निकलते हैं, पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। ठीक गाइस, तो अभी हम पहुँच जाए हैं मेरी फेवरेट जगह पे जनाब, ये चेक करें ज़रा, आस पास विलेज है, ये 7 ट्रेन की पटड़ी है, ये सामने रेलवे स्टेशन है। देखें कितना खूबसूरत जगह है यार, इस सुकून को मैं तरसता हूँ। मैं पहाड़ों पे क्यों जाता हूँ, क्यों ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मुझे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मतलब एक तरह का कह रहे हैं कि नेचुरल ब्यूटी लवर हूँ। तो गाइस चेक करें माशाल्लाह परिंदों की चहचाहट हैं, चारों तरफ हरे भरे दरख्त, तो कितना मज़ा आ रहा है छाँव। मुझे घर में पंखा चला के गर्मी लग रही थी, डबल पंखा, उसके अलावा जनाब वाला के घर है भी ठंडा, लेकिन यहाँ पे बगैर पंखे बगैर किसी एसी के इतना प्यारा माहौल है। और जो जो लोग विलेज लाइफ को गांव को पसंद करते हैं या नेचुरल ब्यूटी लवर हैं वो कमेंट्स में लाजमी कमेंट करें कि आप कहाँ कहाँ पे रहते हैं और किस किस को गांव पसंद है। तो गाइज़ ये चेक करें ना ज़रा, आप खुद देखेंगे माशाल्लाह, ये देखें ये धान की फसल लगी हुई है, वो सामने वो घास लगी हुई है, चारा जो वगैरह, ये देखें माशाल्लाह। मतलब वो हमारी सोसाइटी है सामने, जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि वो देखें शहर में देहात, तो ये गांव आ गया, ये सारा, ये चेक करें ज़रा, और वो हमारी सारी बड़ी सारी सोसाइटी है, ये देखें माशाल्लाह। ये हमारी फरारी खड़ी हुई, ये सामने जंगल है और ये सामने कब्रस्तान है। तो गाइज़ अभी हम चलते हैं यार, यहाँ पे एक मेरे बड़े प्यारे अजीज़ जिनकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, मेरे वालिद की जगह थे, मेरे वालिद साहब के दोस्त और मेरे चाचा जी, उनकी कब्र पे कलाम बख्शनी है क्योंकि कब्रस्तान भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें, और आप लोगों को लाजमी कब्रस्तान जाना चाहिए, क्योंकि जो इस दुनिया से चले जाते हैं और कहते हैं ना कि दुनिया फ़ानी है, तो उनको भी याद करना चाहिए। तो गाइज़ ये देखें, ये सामने रेलवे स्टेशन है हमारे, और ये हमारा कब्रस्तान आ गया, ये फॉरेस्ट जंगल, और ये सारा विलेज टाइप, और वो हमारी सोसाइटी है। तो ये चीज़ आपको दिखाने के लिए लाया था, काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे मैं आया नहीं, क्योंकि एक सीरीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी सीरीज़, जब भी सीरीज़ करते हैं तो उस पर टाइम लगता है, आपको पता है, तो कुछ ना कुछ दिन लग जाते हैं, 1.5-2 महीने हो गए मैं यहाँ पे नहीं आया। तो गाइज़ ये देखें, ये कैसे लोग सोए पड़े हैं अपने अपने घरों में। असल ज़िंदगी गाइज़ यही है, यही हमारे जो मेन घर हैं इनको हमने बनाना है, ये दुनिया फ़ानी है, यही हमारे सबसे बड़े महल और यही घर है। तो गाइज़ ये चेक करें ज़रा, कैसे हर बंदा सोया पड़ा है। तो गाइज़ अभी मैं इधर दुआ मांगूंगा, ठीक है, अंकल के पास, और उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। हाय 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 गाइज़, ये मेरी दूसरी फेवरेट प्लेस है, चेक करें तन्हाई, खूबसूरत सी प्लेस, दरख्त बूटे शूटे, जंगल शंगल, चेक करें ज़रा। आप में से कई लोग मुझे कमला कहते होंगे लेकिन कमला हूँ नहीं यार,
चेक करें। बस हर इंसान की अपनी अपनी विश होती है, अपनी अपनी ड्रीम होते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिश होती है और अपनी अपनी पसंद होती है। तो गाइज़ मैं इस नहर की बात कर रहा हूँ, ये चेक करें, ये हमारा वॉक का ट्रैक है, ठीक है, और एक ट्रैक ये है, मतलब ये एक ही है और इधर से हम आते हैं, ठीक है। और ये वो नहर है जिसका मैं अक्सर जो है ना पहले भी शायद वीडियो बनाई है, इसको बंदे मार नहर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो बंदा भी गिरे है ना या डूबा है वो बचा नहीं है आज तक। ये देखें वो बोट खड़ी है, मेरी इसके साथ बहुत ज़्यादा यादें हैं। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो इस बोट पे बैठ के मैंने पूरी ग्रेजुएशन की है और 10 रुपये दे के जाता था, 10 रुपये दे के वापस आता था। चेक करें ज़रा, वो सामने बोट खड़ी हुई ये वाली, ठीक है। तो ये सारा मोहल्ला इनके पास, बड़ा प्यारा व्यू है। तो गाइज़ इसी तरह ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ अभी आपको पता है टाइम भी ऐसा ही है, यहाँ पे कोई है भी नहीं, तो वो ना हो कोई हमसे मुफ्ता लगाए, मोबाइल शबाइल ले पैसे शैसे हर चीज़ और निकल पड़े। तो इसलिए गाइज़ बस आज यहाँ पे अभी दिल को थोड़ा सुकून मिल गया यार, थोड़ा चलने फिरने आया था घूमने फिरने, तो अभी जाके थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर उसके बाद जो भी रूटीन है आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारा देखें, ये फॉरेस्ट एरिया, ये चेक करें माशाल्लाह, हैं, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाय हाय हाय, पैदल चल चल के यार अभी पहुँच चुका हूँ वापस। तो गाइस अब और हिम्मत नहीं है यार, कसम से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं पहाड़ी इलाकों की तरफ भी ज़्यादा जो सीरीज़ बनाता हूँ क्योंकि गर्मी से मेरी जान जाती है। तो गाइज़ आज का जो व्लॉग है यहीं पे करते हैं एंड। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।